सो टू स एंड बैक विद अमेजिंग अपॉर्चुनिटी और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंटर्नशिप लेके आया हूँ जहाँ पे आपको स्टाइपेंड ही देखने को मिलेगा 15,000 पर मंथ प्लस यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होने वाली है और यहाँ पे आपको सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है इसके अलावा बात करें यहाँ पे अदर यहाँ पे बेनिफिट्स की तो यहाँ पे आपको फ्री में इंटरनेट एक्सेस मिलने वाला है फ्री में बैग्स मिलने वाले हैं फ्री यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कार्ड बनने वाला है जिसके थ्रू यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ एक्सेस

क्लास तक जरूर देखना और तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और इसके बाद आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं डार्क चलते हैं आज के नोटिफिकेशन के ऊपर सो so, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हमारी जो इंटर्नशिप निकल के आ रही है वो आ रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से ठीक है जो कि यहां पे एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है हमारा वैसे ये हर साल यहाँ पे छोटे छोटे इंटर्नशिप्स निकालते हैं फिफ्टी डेज की ट्वेंटी डेज की बट यहाँ पे साल में एक बार एक ऐसी इंटर्नशिप निकालते हैं जो यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग टर्म पीरियड की होती है ठीक है सो so यहाँ पे आपकी इंटर्नशिप होने वाली है ठीक है और यहाँ पे इस इंटर्नशिप को जो स्टार्टिंग डेट होने वाली है वो दस जून होने वाली है और यहाँ पे एंड डेट इसकी की जुलाई होने वाली है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आप सबसे पहले कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं मतलब इसके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है उसकी बात कर लेते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे सबसे पहले जो लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है एल के वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा जो यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में है और यहाँ पे बी ए बी एल एल भी परस्यू कर रहे हैं मतलब फाइव ईयर का कोर्स अब परस्यू कर रहे हैं वो यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा यहाँ पे आपका पीजी डिप्लोमा ह्यूमन राइट्स एम ए इन ह्यूमन राइट्स इस तरीके का यहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी सोशल वर्क इस तरीके का अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं ठीक है सो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अब हम यहाँ पे बात करने वाले कि क्या क्या वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा किस किस तरीके का वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे ब्रीफ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे आपका समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का बता बताए हैं ठीक है अप्रोसीमेटली यहाँ पे आपके सात से पचहत्तर सेशंस होने वाले हैं ठीक है जिसमें यहाँ पे आपको क्लास क्लासरूम सेशंस दिया जाएगा ठीक है इंटरेक्शन विद होनेबल चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन उनको यहाँ पे आपको मिलने का मौका मिलेगा ठीक है उनके साथ रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज उसके ऊपर यहाँ पे आप काम करोगे ठीक है फिल्म ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डिस्कशन इन तरीके के यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जैसे कि चाइल्ड लेबर इशूज हो गया ठीक है एंटी ट्रैफिकिंग हो गया राइट्स ऑफ एल्डरली हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया इस तरीके के यहाँ पे आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पर आप यहाँ पे काम करोगे ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं यहाँ पे फील्ड विजिट हो गई मतलब यहाँ पे फील्ड में भी आपको जाने का मौका मिलेगा फॉर एग्जाम्पल आपको पुलिस स्टेशन तिहाड़ जेल इस तरीके की जगहों पर जाके यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा ठीक है और यहाँ पे आपके एन हो गए या फिर यहाँ पे अर ऑर्गेनाइजेशन होगी उस जगह पे जाके कि आपको यहां पे काम करने का मौका मिलेगा ठीक है और यहां पे अगर आप एनएचआरसी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ते हो तो पे आपको पे बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रिस्पेक्ट और वैल्यू बढ़ जाती है ठीक है नेक्स्ट यहां ने पे आगे बढ़ते हैं कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ठीक है इसके कुछ रूल्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं तो इंटर्न को यहां पे टाइम से पे रजिस्ट्रेशन कर देना होगा ठीक है और टाइम से यहाँ पे पहुंचना होगा ठीक है और यहां पे आपको सारी चीजें विदाउट ब्रेक मतलब बिना छुट्टी लिए सब चीजें अटेंड करनी पड़ेंगी क्योंकि यहां पे जस्ट यहां पे वन मंथ का प्रोग्राम है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे छुट्टी लेने की नीड है आप यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं ले सकते ठीक है और डेली यहाँ पे आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है और यहाँ पे आप... और यहाँ पे अपनी अटेंडेंस 100 परसेंट फुल रखनी है तभी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ठीक है अब अभी पे बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की तो यहाँ पे आपको एक किट बैग मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है यहाँ पे एन एच आर सी का यहाँ पे आपको आइडेंटिटी कार्ड देखने को मिल जाएगा लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल जाएगी इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाएगी टी एंड स्नैक्स मिल जाएगा आपको ट्वाइस अ डे आप ले सकते हो लंच यहाँ पे आप ले सकते हो ठीक है इसके अलावा बात कर लेते हैं जो यहाँ पे आपका बाहर भी अगर आपको जाना होगा ठीक है आउटसाइड यहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा दिल्ली से ठीक है तो यहाँ पे आपको एसी थर्ड टायर की यहाँ पे आपको टिकट करवा के दी जाएगी ठीक है और यहाँ पे आपको सारे अलाउंसेस मतलब जो भी खर्चा होगा वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा ऐसा नहीं कि आपकी जीएफ से यहाँ पे कुछ आपको लगाना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी ठीक है अब आ जाते हैं यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे मेन इंपॉर्टें पॉइंट पे जो यहाँ पे आप आपको मिलने वाला स्टाइपन ठीक है यहाँ पे आपको जो तो स्टाइपेंड है ना वो ट्वेल्ल थाउजेंड मिलने वाला है जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट करेंगे टाइम से अपने अटेंडेंस फुल रखेंगे सारे लेक्चर्स लेंगे उनको यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड यहाँ पे स्टैपेंट मिलेगा ठीक है लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा अपने टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पे बढ़ चढ़ के निकलेंगे ठीक है उन उनपे काम अच्छा करेंगे रिसर्च अच्छी करेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्होंने अवार्ड्स रखे गए हैं ठीक है सो so, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट आएगा उसका अमाउंट फिफ्टीन थाउजेंड रहने वाला है सेकंड जो आएगा उसका यहाँ पे अमाउंट टेन थाउजेंड रहने वाला है और जहाँ यहाँ पे थर्ड आएगा उसका जो अवार्ड रहने वाला है वो फाइव थाउजेंड रहने वाला है ठीक है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रहने वाली ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंडेंस हो गया पंक्चुअलिटी हो गया डिसिप्लिन पार्टिसिपेशन इन सेशन हो गया ये सब चीजें अगर आप टाइम से करते हो अच्छे से करते हो तो यहाँ पे आपके जो अमाउंट है ये जो अवार्ड है ये आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा टाइमली सबमिशन ऑफ ग्रुप प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड बुक रिव्यूज मतलब ये सारी मतलब जो भी इस इंटर्नशिप में आपसे करवाया जाएगा उसको आप जितना टाइमली करोगे उतना यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आप इस इंटर्नशिप की लास्ट डेट की तो इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो छब्बीस मई होने वाली है सो so, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो तुरंत पे इसके फॉर्म का अप्लाई कर देना फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ बट इसके लिए ज्यादा डिले मत करना क्योंकि लास्ट डे वाले दिन 26 मई को अगर आप अभी ज्यादा डिले करोगे तो इसकी वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी तो आप इसको अभी इसके फॉर्म को टाइम से अप्लाई कर देना ठीक है और यहाँ पे आप छब्बीस मई को शाम को छह बजे तक इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो ठीक है अब जैसे आपको अप्लाई करने के बाद बताता दो मैं जैसे आपको अप्लाई करना होगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप यहाँ पे कुछ इस तरीके के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे ठीक है यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो जो अभी आपको दिखा रहा था और पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पर आप सारी डिटेल दोबारा से पढ़ सकते हो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या चीज़ें रहने वाली हैं अब यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या क्या चीज़ें कीज़ें आपको सबमिट करनी है क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का ठीक है मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेंगी ठीक है और यहाँ पे आपने पहले एन के साथ यहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करिए नहीं करी है वो सारी चीज़ें बतानी होगी ज़्यादातर बच्चों ने नहीं करी होगी तो नो फिल कर देना ठीक है और देन इसके फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना इन रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म के रिलेटेड डाउट आता है फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आती है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना क्योंकि ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा पाऊँ और यहाँ पे इस फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर पाएँ okay. इसके अलावा अगर कोई और डाउट आ रहा है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आगे जल्दी से पूछेगा मैं आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करूँगा एंड मैं आपसे लूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ तब तक लिए गुड बैंड टेक केयर